दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, अगले ब्रह्मा। ये कहानी आपको एक मदहोश कर देने वाली यात्रा पर ले जाएगी और कई रहस्यों से पर्दा उठाएगी। हनुमान जी बल और बुद्धि के धाम हैं। उनकी महिमा का आज तक कोई पार नहीं पा सका। आखिर ऐसी क्या बात है कि हनुमान जी हर क्षेत्र में सदा सफल रहे? क्या आपको पता है कि हनुमान जी में ऐसी अद्भुत शक्ति और ऐसा चरित्र है जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती? इसी कारण हनुमान जी को इस सृष्टि के अंत के बाद अगली सृष्टि में ब्रह्मा का पद प्रदान किया जाएगा। आखिर यह कैसा रहस्य है जो आज तक ना किसी ने सुना ना सुनाया? तो आइए, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष से लेकर देवताओं तक आपके सभी सवालों के जवाब देगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि
कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। धरती पर इंसान जब से आया है, उसके मन में हजारों सवाल पैदा होते रहते हैं। इन सवालों के जवाब पाने के लिए वह भरसक प्रयास करता रहता है और अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि करता रहता है। कहते हैं, जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। जिज्ञासा के बिना कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसा ही एक जिज्ञासु बालक था धर्मेश, जो अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था और अपने बड़े भाई का दुलारा था। भजन कीर्तन में उसका बहुत अधिक मन लगता था। उसका जब भी मन करता वह सुंदर सुंदर मंदिरों में जाकर कथाएं सुनता रहता। घर वाले हमेशा परेशान रहते थे कि ना जाने कहां चला जाता है और हम ढूंढते हुए परेशान होते रहते हैं। लेकिन उसके मन पर कुछ और ही धुन सवार रहती थी। एक दिन संध्या का समय था, सूरज ढल चुका था, वातावरण बहुत ही शांत और शुद्ध हो चुका था। वातावरण में एक अलग ही भव्यता और दिव्यता छाई हुई थी। छोटे छोटे और सुंदर सुंदर बालक नदी किनारे खेल रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। धर्मेश के बड़े भैया उसे ढूंढते हुए इधर उधर आवाज लगा रहे थे, अरे धर्मेश तू कहां चला गया, पता नहीं यह लड़का कब सुधरेगा, जब देखो बिना घर पर बताए कहीं भी चला जाता है, क्या धुन सवार रहती है इसके सर पर किसी को नहीं पता। आसपास की दुकानों पर पूछते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। हर किसी से बस यही पूछ रहे थे, क्या आपने धर्मेश को कहीं देखा है। गांव की छोटे छोटे घरों में धर्मेश को खोजा जा रहा था, परंतु वो तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। धर्मेश के भैया के साथ साथ कई पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और मिलकर धर्मेश को खोजने लगे। कई घंटों तक खोजने के बाद दूर जंगल से एक मदमस्त आदमी चलता हुआ आ रहा था। धोती कुर्ता पहने यह आदमी बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा था। सर पर पगड़ी, हाथ में लाठी और तन पर सफेद कमीज और धोती पहनी हुई,
नजदीक आने पर उसने सभी लोगों को व्याकुल और परेशान देखा और उनकी परेशानी का कारण जानना चाहा। धर्मेश के भैया ने बताया कि हम बहुत घंटों से अपने भाई धर्मेश को खोज रहे हैं, परंतु भैया हमारा बच्चा मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, अनजाने में कहां चला जाता है। क्या पहली बार नहीं हुआ? पहले भी कई बार हो चुका है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं, उस विचित्र आदमी ने बोला। अरे भैया, कहीं वह सुंदर सा गोरा सा बच्चा तो नहीं जो वहां जंगल में मंदिर में बैठा है और पुजारी जी से कथा सुन रहा है? धर्मेश के भैया ने सोचा, अगर कोई बच्चा कथा सुन रहा है तो जरूर धर्मेश ही होगा, क्योंकि उसे ही ऐसी कथाओं में बड़ी रुचि है। पहले भी वह घर से भागकर दूर दूर मंदिरों में जाकर बैठ जाता था। भैया ने कहा, अरे हाँ भैया, वह तो मेरा भाई धर्मेश ही होगा, क्या आप मुझे उसके पास ले चल सकते हैं? आदमी ने कहा, भैया मैं तो बड़ी ही जरूरी काम से जा रहा हूं, परंतु जिस दिशा से मैं आ रहा हूं आप उसी दिशा में चले जाइए। एक नई मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर बड़ा ही भव्य और खूबसूरत है, वहां का वातावरण बहुत ही शांत और शुद्ध है। धर्मेश तो क्या, वहां कोई भी जाएगा तो अपनी सुध-बुध खो बैठेगा और भगवान की वाणी और चर्चा में ही अपना ध्यान लगा बैठेगा। आप इसी रास्ते चले जाइए। कुछ 3 कोस दूर आपको मंदिर दिखाई पड़ेगा। धर्मेश के भैया अपने भाई को खोजते हुए उसी रास्ते चले गए। साथ में 2-3 गांव वाले भी थे। जंगल के उस रास्ते से होते हुए भैया को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि आज से पहले उस रास्ते पर किसी ने ऐसी हरियाली और ऐसी विचित्र घटनाएं नहीं देखी थी जैसी उस समय दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल फूलों से सुशोभित हो गया हो और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार आ गई थी। रास्ता कच्चा था, उस पर मिट्टी थी, परंतु मिट्टी पैरों में इतनी शीतल और शांत प्रतीत हो रही थी कि धर्मेश के भैया की और गांव वालों की सारी थकान मिटी जा रही थी। यह अलग ही अद्भुत सा चमत्कार था जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वैसे तो यह गांव बहुत पुराना था और लोग जंगल में आते जाते रहते थे, परंतु उस दिन कोई अलग ही बात थी। थोड़ी दूर चलने पर धर्मेश के भैया को पेड़ों के पत्तों से बीच दूर एक भव्य और एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया। सभी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि
आज से पहले वहां कोई मंदिर नहीं था। सब लोग जब मंदिर पहुंचे तो वहां का इतना भव्य और सुंदर वातावरण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। किसी का मुंह खुला का खुला रह गया तो कोई अपनी आंखों को मसल रहा था। चारों तरफ ऐसे सुगंधित फूल दिखाई दे रहे थे जिनसे विचित्र खुशबू आ रही थी। खुशबू जैसी किसी ब्रह्म कमल से आती है। मंदिर बड़ा ही रहस्यमय और पुरातन प्रतीत हो रहा था। अंदर से धीमे धीमे स्वर में, बड़े ही मधुर संगीत में मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पीले रंग का यह मंदिर हरियाली भरे जंगल के बीच किसी पीले पुष्प की तरह सुंदर और महकदार प्रतीत हो रहा था। सभी लोगों के मन में एक अद्भुत प्रसन्नता छा गई। उनकी सारी थकान मिट गई, सारी शंकाओं का समाधान हो गया, क्योंकि अंदर जाने पर उन्हें दिखाई दिया कि धर्मेश आलती पालती मारकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा है और बात बात पर कभी हंसता है तो कभी ताली बजाता है। किसी को यह रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। पीछे से भैया ने धर्मेश को स्पर्श किया और पूछा, अरे बेटा तू कहां चला गया था और यहां आकर क्यों बैठ गया? तब धर्मेश ने बताया, भैया मुझे इस तरफ से कुछ ध्वनि सुनाई दे रही थी, उसका पीछा करते हुए मैं यहां जंगल के बीचों बीच आ गया और तब मुझे यह मंदिर दिखाई दिया। अंदर आने पर मुझे भगवान हनुमान जी की यह बेहद खूबसूरत और सुंदर मूर्ति दिखाई दी। इसके सामने मैं बैठा तो मुझे हनुमान जी कथा सुनाने लगे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। भैया ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मूर्ति में से कभी कथा सुनाई देती है? धर्मेश ने कहा, मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान हनुमान मुझे कथा सुना रहे थे। भैया ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो क्या कथा सुनाई हनुमान जी ने तुझे? जरा हम भी तो सुने। धर्मेश ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। उसने कहा, हनुमान जी कई युगों से धरती पर जीवित हैं और भगवान विष्णु ने एक ऐसे देवताओं का संगठन बनाया है जिन्हें रोजेस कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा और भायू देव भी एक तरह से रोजेस देवता हैं। इंद्रजीत देवताओं में से ही कोई एक ब्रह्मा बनता है। अभी वर्तमान में जो ब्रह्मा जी हैं, उनका कुछ काम शेष रह गया है।
इसके बाद नई सृष्टि में भगवान हनुमान ही अगले ब्रह्मा बनने वाले हैं। ऐसा उन्हें भगवान श्री राम ने धरती से जाने से पहले आशीर्वाद दिया था। उस संगठन में सभी लोग श्री हरि के परम भक्त हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं। केवल श्री राम ही नहीं, भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण अवतार के समय भी भगवान हनुमान को अगले ब्रह्मा बनने का आशीर्वाद और आज्ञा दी थी। बहुत समय पहले जब श्री कृष्ण धरती पर थे, तब एक दिन अचानक उनका मन हुआ कि वह हनुमान जी से मिलना चाहते हैं। उस दिन हनुमान जयंती थी और उन्हें हनुमान जी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने विनीता नंदन गरुड़ देव को याद किया। उनकी गति बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जल्दी पहुंचकर हनुमान जी को बुला लेंगे। परंतु इसके पीछे श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी चाल थी। वह गरुड़ और सत्यभामा का अहंकार तोड़ना चाहते थे। वह भी अहंकार रहित भगवान हनुमान के द्वारा। फिर क्या था, गरुड़ पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने निकल पड़े। हिमालय पहुंचने पर उन्हें हनुमान जी एक पहाड़ पर बैठे श्री राम नाम का जाप करते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने वहां रुककर हनुमान जी को जगाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह राम नाम में इतने लीन थे कि कुछ सुन ही नहीं रहे थे। परंतु जब उन्होंने यह कहा कि महाबली हनुमान आपको श्री राम ने द्वारका नगरी में याद किया है, तो राम का नाम सुनते ही हनुमान जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वह अपने भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इतने युगों के बाद वह समय आने वाला था कि वह उनके श्री राम से मिलने वाले थे। इस उतावलेपन में वह एकदम से खड़े हो गए और गरुड़ देव को प्रणाम करने लगे कि हे गरुड़ देव, आप मेरे प्रभु का संदेशा मुझ तक लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आप नहीं जानते आपने मुझे कितना सुख दिया है। मेरे नेत्र प्रभु श्री राम को देखने के लिए तरस गए थे। आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। गरुड़ को स्वयं पर बहुत अहंकार था। उन्होंने कहा, मेरी गति बहुत ज्यादा है, हनुमान जी आप मेरी गति का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप मेरे ऊपर सवार हो जाएं। मैं आपको बहुत शीघ्र द्वारका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराने लगे।
और उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, श्री राम जी की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। गरुड़देव द्वारका के लिए निकल पड़े। पीछे से हनुमान जी ने भी उड़ान भरी और वह इतने प्रसन्न थे और अपने प्रभु से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि अचानक ही उनकी गति में हैरतअंगेज परिवर्तन आया। वह इतनी महागति से आगे बढ़ रहे थे कि सारे बादल इधर उधर हटते जा रहे थे। उनकी गति से वृक्ष आदि टूटे जा रहे थे, धरती उखड़ रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने द्वारका में कदम रखा तो वहां भूचाल सा गया, धरती हिलने लगी। श्री कृष्ण झूले पर बैठे बांसुरी बजा रहे थे तो झूला भी हिलने लगा। वह समझ गए थे कि हनुमान जी आ गए हैं, यह उन्हीं का संकेत है। परंतु सुदर्शन चक्र उनके महल का पहरा दे रहे थे और हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने कहा, हे सुदर्शन चक्र, मैं प्रभु का भक्त हूं, उन्होंने मुझे बुलाया है, कृपया अंदर जाने दीजिए। सुदर्शन ने कहा, मुझे प्रभु की अभी तक कोई आज्ञा प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में पकड़कर मुंह में भर लिया और मुंह दबाकर अंदर महल में प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें भगवान श्री राम के चरण दिखाई दिए। चरणों को देखते ही उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह भाव विभोर हो गए और खुद को रोक ना पाए। उन्होंने बड़े ही सुंदर संगीत से भगवान की स्तुति की और उनके चरण स्पर्श किए। प्रभु ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। युगों के बाद ऐसा मिलन हो रहा था। आसमान में अपने विमानों पर चढ़े देवता भी पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और भगवान और भक्त की सुंदर जोड़ी को बारंबार प्रणाम कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, इस रूप में भी तुमने मुझे पहचान लिया, तुम सच में मेरे परम भक्त हो। इस युग द्वापर में मैं श्री कृष्ण की भूमिका में हूं। आज तुम्हारी याद आई तो सोचा तुम्हें बुला लिया जाए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है जो मुझे याद किया, परंतु आपके नजदीक यह दासी कौन है? विदासी सत्यभामा जी थी जो कृष्ण की पत्नी थी। खुद को
दासी नाम से संबोधित होते हुए देख सत्यभामा का सारा अहंकार टूट गया, क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। परंतु हनुमान जी जो सबके मन की बात जान लेते हैं, वह उनके अहंकार को भी समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने यह लीला की। श्री कृष्ण ने पूछा, अरे हनुमान, तुमने अपने में क्या दबा रखा है? हनुमान जी मुस्कुराए और सुदर्शन को मुख से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही सुदर्शन त्राहिमाम करता हुआ प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी हनुमान जी से रक्षा कीजिए। मुझे बहुत अहंकार था कि मेरी मारक क्षमता के आगे कोई नहीं टिक सकता, परंतु इन्होंने पल भर में ही मुझे पराजित कर दिया और अपने मुंह में भर लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को समझाया और फिर कभी अहंकार ना करने की सलाह दी। श्री कृष्ण जी की रानियों ने हनुमान जी का खूब आदर सत्कार किया। जब वो वहां से विदा लेने लगे तो श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम गुणों के धाम हो, तुम में कोई विकृति नहीं, कोई अहंकार नहीं। इतनी शक्ति, इतना बल होते हुए भी तुमने आज तक कभी अहंकार नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम सृष्टि के अगले ब्रह्मा बनोगे। वर्तमान ब्रह्मा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुम ही सृष्टि की बागडोर संभालोगे। क्या तुम यह कार्य करोगे अपने प्रभु के लिए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपको बारंबार आज के इस मिलन के लिए धन्यवाद देता हूं। आप नहीं जानते, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम कलयुग के अंत तक धरती पर रहो और अपने भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाते रहो। जो भी सच्चे मन से तुम पर श्रद्धा रखेगा और विश्वास करेगा, उसके सारे कार्य सफल होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। भगवान के चरण स्पर्श कर, उनसे आज्ञा पाकर हनुमान जी फिर से अपनी महागति से उड़ चले। उनके जाते ही द्वार पर गरुड़ देव का आगमन हुआ। उन्होंने सुदर्शन को सचेत किया कि सुदर्शन, तुम सचेत हो जाओ, हनुमान जी आने वाले हैं और वह बहुत बलशाली हैं। सुदर्शन ने कहा, हे गरुड़देव, वह तो आकर चले भी गए। ऐसा सुनते ही गरुड़ देव का भी अंगार चूर चूर हो गया। उन्होंने कहा,
हे सुदर्शन, इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनकी गति की कोई तुलना नहीं की जा सकती। सुदर्शन बोले, सिर्फ गति ही नहीं, मारक क्षमता में भी उन्होंने मुझे पराजित कर दिया। गरुण देव और सुदर्शन दोनों एक दूसरे के मुख को देखते हुए आत्मग्लानी में डूबे जा रहे थे। सत्यभाबा का अहंकार चूर चूर हो चुका था। द्वारका में शांति थी और हनुमान जी हिमालय पर जाकर फिर से अपनी योग साधना में लीन हो गए। धर्मेश ने कहा, भैया, जब मैं यहां आया तो मुझे बहुत ही मधुर ध्वनि में राम कथा सुनाई दे रही थी, और आप तो जानते हैं जहां राम जी की कथा होती है वहां मैं अपने कदम नहीं रोक पाता, इसीलिए मैं इस ओर चला आया। यहां पर साक्षात हनुमान जी इस मूर्ति के अंदर से मुझे कथा सुना रहे हैं और मुझ पर कृपा कर रहे हैं। यह सब सुनकर गांव वाले और धर्मेश के भैया आश्चर्यचकित रह गए। उनका मस्तक हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो गया और वह मन ही मन धर्मेश की भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। जो चमत्कार धर्मेश ने करके दिखाया था वह आज तक उन्होंने ना सुना था ना कभी देखा था। धर्मेश अब उस मंदिर की व्यवस्था संभालता है और गांव वाले और उसके भैया भी उसका पूरा सहयोग करते हैं। मैं जिस किसी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रख देता हूं उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। भगवान हनुमान की उसके ऊपर विशेष कृपा है। यह धर्मेश की भक्ति का ही फल है, उसकी भावना की पराकाष्ठा है कि इतनी छोटी आयु में भी उसने भगवान हनुमान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगले ब्रह्मा की। आशा है आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपने यह कहानी सुनी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है। समाती जा रही है।